खेल स्वराज नियुक्ति नियमावली की जो विसंगति है निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम लोग बहुत गंभीर हैं कि नियुक्ति नियमावली ऐसी बने कि अब कोई बाधा नहीं पहुंचाए और जो यहाँ के लोग हैं उनको अधिकार मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही लोग जो इस राज्य में रहते हैं किसी न किसी दल से ताल्लुकात रखते हैं वो जा करके जब यहाँ के लोगों का भला होना होता है तो ऐसे समय में इसको हाई कोर्ट में जाके उलझा देना, ये चीज़ें होती है। लेकिन अब हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि ऐसी नीति बने जिसमें कोई त्रुटि नहीं रहे किसी के भी नज़रिए में, चाहे वो व्यक्ति हो या माननीय उच्च न्यायालय हो, किसी को ये त्रुटिपूर्ण नहीं लगना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि अधिकारियों के शिथिलता की वजह से, अधिकारियों के नहीं ध्यान देने की वजह से इस तरह की बातें सामने आती है जो ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि कोई रोज़गार देने की बात है तो उसको रोज़गार त्वरित गति से देनी चाहिए और उसके लिए जितना जल्द से जल्द हो सके उसको नियमावली फिर से एक बार पुनर्विचार करते हुए बना करके लोगों को देना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले जो कोरोना का काल था उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस समय में ये चीज़ें आई थी उस समय पूरा देश उसके लिए तैयार नहीं था। आज पहले से हम ज़्यादा तैयार हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमने कोरोना को भी काबू पाने में सफलता पाई, राशन कार्ड दिए, लोगों के बीच गए हैं। लेकिन आप कई मित्र सवाल कर रहे थे कि आप क्या सरकार की सारी बातों से संतुष्ट हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो संतुष्ट हो जाता है इसका मतलब विकास रुक जाएगा। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सारी बातें हमने संतोषजनक कर ली है, हमें और आगे बढ़ना है। इसलिए हमारे मन में असंतोष रहे यही राज्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा और इस मामले में हम ये कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उस पर हम लोग लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ आकृष्ट कराने का काम करते रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।